नंबर फिफ्थ में आपको दिया गया है कि 1/√7 − √6, इसका आपको बोला गया हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, इसी का साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको हर का परिमेयकरण क्या होता है समझ में आ गया होगा। देखिए इसको सोल्यूशन में बात करते हैं तो 1/√7 − √6, इसका हर का परिमेयकरण करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसी का √7 + √6, इसी यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे इसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, वापस से यही लिख देंगे। अब देखो इसी संख्या का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना ही इसी में, तो उसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। अगर यहाँ पे √7 ही होता तो इसे सिंगल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो अगर आपको बोला गया 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना है तो आप बोलेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, √2 और √2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, √2/2 हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा। बोला जाए कि 1/√2 इसमें आपको बोला जाएगा हर का परिमेयकरण करना है तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है जो कि हर है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा हो जाता है हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, √2 और √2 हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा। जब हम सिंगल नंबर्स का हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो ऐसा होता है, जब हमारे पास दो यहाँ पे दो टर्म होते हैं, यह सिंगल टर्म था, यहाँ पर अगर हमारे दो टर्म है तो इसको हम कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण, वो उसका साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेते, वही आपका हर का परिमेयकरण करना हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात कर लेते हैं इसको सोल्व करके। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसका, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + √6 ये ऊपर आ गया, इसके में मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा। ठीक है, ये इसमें आपको 1 का मल्टीप्लाई करना तो यही आ जाएगा, वापस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, √7 − √6 हो गया। ठीक है, कैसे, आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, देखो एक बार माइनस में वैल्यू है एक बार प्लस में, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाती है। कौन सी आइडेंटिटी लगती है, आइडेंटिटी यहाँ पर लगती है a + b, अगर a − b ऐसा हो तो आप लिखते हैं a² − b² यहाँ पे आइडेंटिटी लग के इसका a² और − b² हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 + √6, तो इसका हो जाएगा 7 − 6, तो ये इसको हम लिखेंगे, देखो √7 का मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है। ठीक है, ये कभी मैं आपको सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अंडर रूट का एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे किया जाता है, इसको हम कभी सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको यहाँ पे सिंपल सा समझ के चलना है, जो मैं आपको चीज़ें जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझना है। आप √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √7 + √6 / कितना हो जाएगा 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर √7 + √6 / 1, या तो आप बोलेंगे सिर्फ इतना भी आंसर आपका सही। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है 1/3 की पावर 5 का होल पावर 4 दे रखा है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। इसको सोल्व करना है तो आपको एक फार्मूला पता होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की होल पावर 5 की होल पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर ए की पावर, इसको अगर हम 5 लिखना चाहें तो ए की पावर 5 को लिखो, ए की पावर 6 लिखो, ए की पावर 100 लिखो, तब भी ए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जब यहाँ पे देखो इसकी भी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, तो दोनों की पावर हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको एक फार्मूला लगता है, फार्मूला क्या है, ए की पावर m, इसके बाद में होल पावर अगर n हो तो उसको लिखते हैं ए की पावर m * n, ये फार्मूला लगा देना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 पावर 5 * 4, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 20। ठीक है, 20 को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 को अगर हम आप 3/1 बनाना चाह रहे हो तो इसका क्या हो जाता है, इसकी जब इसके अंदर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ माइनस का 20 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर −20 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। या तो आप ये आंसर बोल सकते हो या तो आप ये आंसर बोल दो, दोनों आंसर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको 5 + √7 ब्रैकेट में है, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया गया है 3 + √7, इन दोनों को आपको प्रोडक्ट करना है, यानी कि
मल्टीप्लाई करना है, इसका मान याद करना है। तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फाइव का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया जाएगा, थ्री प्लस थ्री प्लस टू अंडर रूट सेवन के साथ में किया जाएगा। उसके बाद जो प्लस अंडर रूट सेवन का मल्टीप्लाई है पूरे ब्रैकेट के साथ में, थ्री प्लस टू अंडर रूट सेवन के साथ में किया जाएगा, जो आएगा उसको हम लिखेंगे। तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस फाइव टू जा टेन अंडर रूट सेवन, इसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री अंडर रूट सेवन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट सेवन कितना हो जाएगा, सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, ये हो गया। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अब होल नंबर के साथ में एड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रूट वाली वैल्यू रूट के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया नाइन, ये हो गया ट्वेंटी नाइन, ठीक है। फिफ्टीन और फोर्टीन कितना हो गया, ट्वेंटी नाइन, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, थर्टीन अंडर रूट सेवन, यानी कि ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टीन अंडर रूट सेवन इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 29 प्लस 13 अंडर रूट 7 कैसे आया है। तो नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को दोनों को सरल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले 8 को सोल्व करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करके बताएंगे। नंबर 8 को कैसे सोल्व करते हैं इसको मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है 5 बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। इसको अगर आपको आगे सोल्व करना है, इससे ज़्यादा तो आप कुछ इसको सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप इसको सोल्व करना है तो आपको एक ही ऑप्शन है आपके सामने, इसको हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में। तो जो रहता है नीचे वाली वैल्यू, उसकी जो हर होता है उसके साइन को चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी का हर का परिमेयकरण हो जाता है। देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो थ्री, यहाँ लिख देना एक लाइन लिख देना कि हर का परिमेयकरण करने पर, ये आप लिख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। तो अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव, यहाँ पे साइन क्या था, यहाँ पे माइनस का था साइन, तो यहाँ पे प्लस का होके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्यों करना पड़ता है, इस बात को भी आप समझ के चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए इसको हमको करना इसलिए रहता है क्योंकि कभी भी जो वैल्यू लिखी होती है ना, वो डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि जो आंसर निकालना है ना, आंसर आप निकालो, आंसर ये इस प्रकार होना चाहिए, जो नीचे वैल्यू होती है वो कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट की वैल्यू आ रही है, उसको हटाने के लिए हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो जब सोल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 में, और यहाँ पे देखें तो एक बार प्लस में वैल्यू है, एक बार माइनस में है, तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी लगती है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, एक का स्क्वायर। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, एक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो क्या लिखते हैं उसको, ए प्लस बी या ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। फाइनल आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे एक बार में वैल्यू आपको थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फाइव दे रखा है, और एक बार में अंडर रूट थ्री प्लस फाइव, एक बार प्लस में दे रखा है, एक बार माइनस में दे रखा है। तो जो पहली वैल्यू होती है उसको स्क्वायर करके माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं नीचे। देखिए अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने जाएंगे कितना हो जाएगा, ये फाइव अंडर रूट थ्री। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फाइव का मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हम मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो ये हो जाएगा फाइव इंटू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव, ठीक है। तो इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो थ्री आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइव आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, फाइव इंटू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, माइनस का टू आ जाएगा। तो अब ये माइनस का, नीचे कभी माइनस की वैल्यू नहीं होती है, तो ये माइनस वाला वैल्यू आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का फाइव इंटू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 का। जो आंसर होगा वो होगा माइनस फाइव इंटू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव ब्रेकेट बंद डिवाइडेड बाय टू, ये फाइनल आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, यहाँ पे आपको इसको सरल करना है। सरल करना यानी कि दो ब्रेकेट है, दो ब्रेकेट का मल्टीप्लाई करना है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट फाइव दे रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस किए तो किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा हाइडन फास्ट रूल नहीं होता है, यानी कि उसको मैं अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव भी लिख सकता हूँ। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो
तो देखिए यहाँ पे एक बार माइनस है, एक बार प्लस में, वैल्यू सेम है दोनों की, ये अंडर रूट थ्री है, ये भी अंडर रूट थ्री है, और यहाँ पे अंडर रूट फाइव है, यहाँ पे भी अंडर रूट फाइव है, बट इनके बीच में एक बार माइनस है, एक बार प्लस है। तो क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे थ्री आ जाता है, और अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, फाइव आ जाता है। ठीक है, कभी मैं इसको आपको अंडर रूट वाली वैल्यू को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे किया जाता है ये कभी मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट अभी यहाँ पे आपको कैसे भी मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझ के चलना क्योंकि भैया आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये थ्री इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा, माइनस का टू इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर माइनस टू क्यों और कैसे आया है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की। तो क्वेश्चन नंबर टेन में आपको दिया गया है अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसको आपको सोल्व करना है, बोला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे दे रखा है अंडर रूट फाइव, और जो बी की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टू है। तो इसको जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूले में, तो फार्मूले में जैसे ही पुट करने जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट फाइव का स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे, और साथ ही साथ टू इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू हमको दे रखा है अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, क्यों, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट टू है। ये हमारी ए की वैल्यू हो गई है और ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको ये इसके बराबर हमें पूछ रखा है अंडर रूट फाइव का स्क्वायर यानी कि फाइव, और अंडर रूट टू का स्क्वायर मतलब टू, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, टू फाइव और टू का अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है, इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सेवन प्लस टू अंडर रूट टेन, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा सेवन प्लस टू अंडर रूट टेन इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर टेन का जो आंसर आएगा सेवन प्लस टू अंडर रूट टेन इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब इसके बाद में हम कल इसको डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टेन के आगे। साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।